अस्सलाम वालेकुम। हम लोग है ना, एक पेडिक्योर स्पा है जो लोटस का है, बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उसका रिव्यू करना चाह रही हूँ। क्रिस्टल स्पा है पेडिक्योर का, और ऑरेंज फ्लेवर में है, और ये पैरों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या होता है कि जब मसाज वगैरह से ना, हमारे क्रैक हील भी नहीं होते, हील फटते भी नहीं हैं, और पैर बहुत स्मूथ और अच्छे हो जाते हैं। पैकेजिंग जो देखो, ये है जिसमें पहले होता है स्क्रब। ये हमारा स्क्रब है जो ये करता है बालों यहाँ से स्टार्ट करना। ये जो है ना, ये क्यूटिकल्स क्रीम इसमें आती है जो हम नेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, और इसके अंदर जो है ना क्रिस्टल बनता है। तो अभी इस क्रिस्टल कैसे बनेगा वो आप देखना, और ये हम इसको अलग तरीके से करने वाले हैं। इसलिए अगर जो कोई भी जानता है इसको कैसे करना है, फिर भी वो देखेगा तो उसको समझ में आएगा हम लोग किस तरीके से करने वाले। हम लोग इसको बिल्कुल अलग तरीके से करने वाले, जिससे आपका ज़्यादा भी चलने वाला है और सैलून में, और इसका रिज़ल्ट भी डिफरेंट हो जाएगा, मतलब अच्छी चीज़ हो जाएगी आपको। हम लोग इसका करने का दूसरा तरीका समझाने वाले। और ये इसका ना स्क्रब है, ये क्रीम और ये पैक है, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसमें पैक हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग बिल्कुल अपोजिट करेंगे, पैक करेंगे फिर क्रिस्टल करेंगे। ये अपना पॉलिश जो है ना, स्क्रब करेंगे, क्लिंजर्स लिखा है ना, क्लिंजिंग्स, तो ये करेंगे। और फिर बाद में, क्योंकि इसमें भी ऑयल है, इसमें भी ऑयल है, तो इसको करने के बाद में जब पैर की डेड स्किन वगैरह रिमूव हो जाएगी तो हम लोग इसको स्क्रब करेंगे। स्क्रब होने के बाद में फिर हम इसको पॉलिश करेंगे, क्योंकि इसमें भी ऑयल है और इसमें भी, तो दोनों ऑयल जब स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे तो हमारी स्किन के हील्स भर जाएंगे। और इसको हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, क्योंकि जो अपने टेक्नीशियन आते हैं वो अलग तरीके से बताते हैं। ये हम लोग सॉल्ट डाल रहे हैं, ये सॉल्ट है। जो सॉल्ट आपको बताया जाता है ना कि पूरा डाल दो, तो आप पूरा मत डालो। एक पैकेट को आप दो या तीन बार पूरा करो, तीन बार में, तीन पेडिक्योर या दो पेडिक्योर में यूज़ करो। पूरा पैकेट जो बताते हैं ना, ये अपना टेक्नीशियन आके पूरा पैकेट डाल दो बताते हैं, तो वैसे मत करो, क्योंकि वो वेस्ट ही हो रहा है आपका। तो आप उसमें से दो उसको या तो हाफ ऑफ करो या तो तीन टाइम में करो, तो आपको रिजल्ट तो वही मिलने वाला है और आपका चलेगा ज़्यादा। ये हमने डाला है जो हम लोग को सोक करेगा, इसको तीन टाइम करना है अपने को। ये देखो, ये जो क्रिस्टल है ना, अब हम लोग ये डाल रहे हैं गुनगुने पानी में, गर्म पानी है एक्चुअली ये, इसमें ये पाउडर डाला जाता है। इसको या तो हाफ करो, आप दो बार करो एक पैकेट को, या तो आप तीन बार करो, लेकिन देखो चीज़ें उतनी मिलने वाली, रिजल्ट वही मिलने वाला, तो आप अपना चीज़ वेस्ट क्यों करते हो। अब देखो इसमें क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, बॉल बनना शुरू हो जाएंगे। अब धीरे 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 सारे आपके क्रिस्टल बन जाएंगे। और ये जो है ना, इसको ये इतना देखो, एक पेडिक्योर के लिए काफ़ी है ना, तो आप इसको दो हिस्सों या तीन हिस्सों में कर सकते हो। दो हिस्सों में करोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि क्लाइंट को तो इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, कोई पूरी बॉडी के लिए यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फुट के लिए यूज़ करना है। तो आप अगर नहीं मंगाते हो तो आप मंगा सकते हो, क्योंकि एक पैकेट आप तीन बार करोगे, क्योंकि मैं भी नहीं मंगाती थी, अब मुझे पता चला कि ऐसे कर सकते हैं हम। हाँ, ये देखो पूरे बन रहे हैं, ये पूरे बनते जाएंगे, और इतने एक पेडिक्योर के लिए इनफ है। टेक्नीशियन आते पूरा के पूरा, कोई कोई लोग दिखा देते हैं पूरा भर के, बोल भर के, ऐसे मत करो आप आधा आधा करो। अभी देखो, हमने ये सॉल्ट आपको डाल के दिखा रहे हैं, ये जो क्रिस्टल डाला हमने, क्योंकि हमने पैर के अंदर सोकिंग जो सोक करने वाला सॉल्ट है वो डाला, तो इससे क्या होता है क्रिस्टल पूरे मेल्ट हो जाते हैं। तो क्या करा जाता है कि ना, पहले वो लोग क्रिस्टल डाल देते हैं और फिर बाद में आपको सॉल्ट डाल देते हैं, तो पिघल जाता है पूरा। लेकिन अगर यही क्रिस्टल आप अपने पैरों पे अलग से लेके मसाज करोगे तो आपके स्किन भी अच्छी होगी, और आपको रिलैक्स भी मिलता है ना मसाज अलग से, और ये बहुत स्मूथ हैगा, अलग फीलिंग है इसकी। और अगर आप इसको पानी में डाल दे रहे हो तो फिर वो पूरा मेल्ट हो रहा है। खाली दिखाने के लिए आपको डाल रहे हैं, हम लोग इसमें डालेंगे नहीं, हम अलग से मसाज करेंगे इसका। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका ज़्यादा चलेगा, क्लाइंट को भी अच्छा रहेगा। आप आधा डालो ना इसमें, आप, मैं अभी आधा डाल रही हूँ पानी में, है ना, और आधे से हम लोग मसाज करेंगे। और जो पैकेट है उसके अंदर अभी फिर भी तीन बार और चलेगा हमारा पैकेट। तो कैसे होता है कि हमको प्राइस भी हमको लेस हो जाएगी, और आपको जो एक पेडिक्योर का प्राइस मिलता है आपको उतना ही मिलेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो और क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि उसको काम तो उतना ही आप दे रहे हो। देखो अभी हम लोग ये क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल ले लेके उस पैरों पे अप्लाई कर, और बहुत अच्छा हाथ हो जा रहा है। मैं तो हाथ पे लगाया मैंने, बहुत ही अच्छा स्मूथ पैर हो जा रहा है। तो ये जो क्रिस्टल हमने बनाया है ना, ये जो क्रिस्टल बनाया है इसको हम पैर पे डायरेक्ट लगाएंगे। अगर इसको पानी में डाल दोगे तो वो मेल्ट होगा, तो हमने हाफ डाला है पानी में और हाफ से हम अपने पैरों को मसाज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पैर स्मूथ हो जाते हैं, और क्यूटिकल्स वगैरह ना सब एकदम पानी सोखने से ना सब
डेड स्किन भी आ जाती है ना बाहर, तो इसके करने से भी बहुत स्मूथ हो रहा है स्किन। तो ऐसे करके इसको मसाज करो। तो ये हम लोग डिफरेंट तरीके से इसलिए करके आपको बता रहे हैं। ये देखो पूरे दोनों पैरों में हम खाली क्रिस्टल को उठा उठा के पैरों में मल रहे हैं। हाँ, आपको क्रिस्टल देखो कितने अच्छे हो जाते हैं, एकदम साफ हो जाता है, बहुत अच्छा, और स्मूथ हो रहे हैं, हाथ भी स्मूथ हो रहे हैं तो पैर भी स्मूथ हो रहे हैं मेरे। तो इसको क्या करना है, क्रिस्टल को हाथ में ले लेके लगाना है। अच्छा गुनगुना है, हल्का गर्म है, गर्म है, थोड़ा हल्का सा गर्म रहेगा चलेगा। तो अब लेंगे तो आपका ये पैरों के लिए ये चीज़ अच्छी है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि इस तरह से करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा पैरों में। और आपको पेडिक्योर का चार्ज भी सेम मिलने वाला है, और आपका चलने वाला भी है डबल ट्रिपल। जो एक पैकेट एक बार में चलता है, आपका पैकेट तीन बार में चलने वाला है आप अगर ऐसे यूज़ करोगे तो। अभी कैसे ये मैंने जो है ना देखो स्क्रबर है ना उस पर लेके भी हम लोग क्रिस्टल को ये कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं और इसको पैरों पे भी लगा रहे हैं। एक तो स्मूथ होता है, इससे पैर स्मूथ भी होते हैं, प्लस क्या होता है कि आपके जो क्रैक हील है ना उनको भी रिलैक्स मिलता है, वो भी ना क्रैक हील भी नहीं होते हैं, हील जो आपके क्रैक भी नहीं होते। और आप इतना जितना बनाए उतना मैनीक्योर पेडीक्योर दोनों में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप एक पैकेट को तीन से चार बार चला सकते हो, अदरवाइज एक पैकेट एक बार ही चलाना बताया जाता है, लेकिन आप तीन से चार बार एक पैकेट को यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें कैसे इतना ही पेडीक्योर का होता है ना, लेकिन आप इसमें आपको डेटॉल डालना है, आप डेटॉल डाल सकते हो क्योंकि एंटीसेप्टिक है। आप इसमें ना पानी में जैसे हम डेटॉल डालते हैं ना नॉर्मल पेडीक्योर में, गौरी देखो इस तरह से, इस तरह से इसको घसते जाना है पूरा पूरा अच्छे से। ये जेल के साथ में हम लोग जो लगा रहे हैं ना क्रिस्टल के साथ में, पूरे पैर ना एकदम स्मूथ हो गए, फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है हाथ लगाने से, पूरे स्मूथ हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अभी ये ना क्रिस्टल जो है ये सॉरी क्रिस्टल बोल रही हूँ मैं, ये क्रीम जो है ना क्यूटिकल क्रीम इसके साथ में आती है, जो इस तरह से हमको पैर पे एप्लीकेशन करना होता है, ये अलग से नहीं लेना। और इसको क्या ड्रॉप ड्रॉप गिरता है, इसको लेना ही नहीं अलग से। देखो ये इसके साथ में आती है, लोटस का क्रिस्टल स्पा बोलोगे ना तो ये मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा, इससे मतलब पैर भी बहुत अच्छे होते हैं, स्मूथ होते हैं। वो तो नॉर्मल पेडिक्योर में भी करते हैं इस तरह से, यही सब क्रीम क्यूटिकल लगाने का सब कुछ करना है। अब ये पूरा हम लोग ने क्यूटिकल क्रीम लगा के फिर क्लीन करके पुश करने के बाद में जैसे हम लोग पेडिक्योर करते हैं ना सिंपल पेडिक्योर, सेम उस तरह ही अपने को करना है बाकी का काम। अभी देखो हम लोग है ना पैक लगा रहे हैं, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं हम लोग क्लींजिंग ये स्क्रब करते हैं और फिर क्रीम करते हैं फिर पैक लगा दें, जैसे हम फेशियल में करते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, दूसरा तरीका यूज़ किया है, पहले हम पैक लगा रहे हैं और पैक लगा के इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद में हम स्क्रब करेंगे। हाँ इसको देखो इस तरह से एड़ी में लगाना होता है और इसमें ब्रश से थोड़ा ही लेके लगाना होता है, बहुत पतला पतला लेयर लगाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है। अब बताना, अब ये देखो मैं ना पैक लगा हुआ है, हमने पैक लगा दिया था ना, तो 10 मिनट तक रखना है, 10 मिनट के बाद में इसको वॉश कर देना है इस तरह से वॉश कर देना है पूरे पानी। और ठंडी ठंडी है तो गर्म पानी ले लो, गुनगुना मतलब हल्का गरम लुक वार्म वाटर, और नहीं तो फिर सादे पानी से भी धो सकते हैं। देखो ये अभी हमने पैक निकाला, पैर देखो अभी पैक खाली सिर्फ लगाए और पैक का देखो आप स्मूथनेस देखो। अभी ये स्क्रब लगा रहे हैं, उसमें जो स्क्रब है ना जेल टाइप में वो लगा रहे हैं। स्क्रब दिखाना ज़रा, स्क्रब वो वाला पैकिंग देखो, ये स्क्रब है, ये दिखा रही पॉलिशर लिखा है क्लींजिंग स्किन पॉलिशर, वो है 5 मिनट बिना पानी के इसका मसाज करना है। स्क्रब है ना पूरा झाड़ देने का, जब पूरा मसाज होगा और लास्ट में ना स्क्रब का जो पूरा हाथ है ना ऊपर तक लेके जाने का। अब मैं ऊपर पैर नहीं दिखा रही हूँ लेकिन आप समझ लो कि कहाँ तक मसाज करते हैं, हम लोग नी तक मसाज करते हैं, तो आप उसी चीज़ से समझ लो कि स्क्रब पूरा झाड़ा जा रहा है मसाज करने के बाद। ये अभी इसका पहले हमने पैक लगाया, हमने उल्टा किया, मतलब पहले हम लोग कैसे स्क्रब क्रीम और पैक करते, तो हमने पहले पैक किया फिर स्क्रब किया और अभी हम ये क्रीम से मसाज करेंगे। और ये क्रीम से मसाज करेंगे ना तो अब इसका जो ऑयल, अभी स्क्रब का जो ऑयल था स्क्रब में बहुत ऑयली जैसा है, तो अब देखो स्किन को कितना अच्छा कर दिया है, मेरे हाथों से ज़्यादा पैर अच्छे लग रहे हैं। और अब ये क्रीम से मसाज होगा, क्रीम में इतना ऑयल है पूरा स्किन स्मूथ हो जाएगी, लेकिन स्क्रब में जो थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं ना वो पूरे वो कर देना चाहिए, झाड़ देना चाहिए पहले, फिर स्मूथ क्रीम से मसाज करना चाहिए।
और इसमें बिना पानी के मसाज करो, आप थोड़ा हार्ड मसाज करोगे ना तो इस क्रीम में से ऑयल निकलेगा। और कैसे करना है, अगर आपका हाथ फिर भी नहीं चल रहा है, किसी की स्किन बहुत ड्राई होती है और क्रीम फौरन पेनिट्रेट होती है, तो हल्का सा हाथ हल्का सा गीला कर सकते हो, डैप्ट कर सकते हो हल्का सा, वरना फिर आप बिना क्रीम बिना पानी के ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखो पैर का लास्ट का स्मूथ कितने लग रहे हैं।